बेहद दुख का दिन है आज, क्योंकि परिवार के सामने जिस तरह की बेबसी इस वक्त देखने को मिल रही है, उन शब्दों को बयां कर पाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि बीती रात अमानवीय तरीके से इनकी बच्ची के शव को जला दिया गया है। जिस तरह का आरोप ये परिवार के लोग इस समय सीधे सीधे यहाँ की पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गाँव के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है, सभी हाथरस की इस बेटी के लिए, इस निर्भया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ की पुलिस और प्रशासन से ये पूछा जा रहा है कि आखिरी बार आखिर अपनी बेटी को देख पाने तक की स्थिति इन लोगों के सामने क्यों नहीं रखी गई। परिवार के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। आप देखिए सभी के चेहरे उदास है, गमजदा है, और उनके पिता हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको बुलाना चाहूंगी क्योंकि बेहद अमानवीय तरीके से, मैं चाहूंगी आप अपना मास्क से चेहरा ढक लें पूरा। क्या हुआ था बीती रात, क्या हुआ था आप बताइए जरा इसके बारे में। बीती रात में ऐसा हुआ कि कहा कि हम लोग दिल्ली से आए तो यहाँ पे मैं आपसे माफी चाहूंगी, आप गमछे से अपना मुंह ढक ले, बाकी लोगों से तब तक हम बातचीत करते हैं। गुस्सा है यहाँ के लोगों में? हाँ जी मैडम, बिल्कुल सब को दिखाया नहीं है। रात में शव को देखने तक नहीं दिया, न माँ को देखने दिया, परिवार के गाँव में घुसने तक नहीं दिया, बहुत दूर से हम आए घुसने तक नहीं दिया। आप जब दिल्ली से चले थे तो क्या आप अपनी बेटी के पार्थिव शरीर के साथ नहीं थे गाड़ी? नहीं नहीं, हम लोग उनके साथ। आपको हटा दिया गया? हाँ हम लोगों को हटा दिया। इनको बोलने दीजिए, पिता है ये, बेटी के पिता है। जरा सोचिए 15 दिनों का संघर्ष इस पिता ने कैसे किया होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग जीत नहीं सकी। तो आपको सीधे दिल्ली से जब आप यहाँ आ रहे थे तो उसको एम्बुलेंस में रखा गया, आप लोग को अलग गाड़ी में रखा गया, और यहाँ पर आकर शव को जला दिया गया, आप लोगों को जाने तक नहीं दिया गया। ना ना, हम लोगों को नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया गया है। आपको क्यों लग रहा है ऐसे? अब मालूम नहीं हो कि क्या कहते शासन की, क्या शासन की क्या मंशा है। देखिए बेहद गरीब ये परिवार, अपने आप में बेहद मायूस, और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का जिस तरह का रवैया है उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी पूरे के पूरे गांव में इस समय देखने को मिल रहा है। लखनऊ भी आपको लेकर चलेंगे, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आपको 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दरअसल इस पूरी खबर के पीछे की सच्चाई बताते हैं। 15 दिन पुराना ये मामला यही बिल्कुल पास में खेत है, और आपको ये भी बताते चले कि वहां पर सुबह 9 बजे का वक्त जब अपनी माँ और भाई के साथ एक बेटी जाती है घास काटने के लिए, और उसी समय उसके साथ दरिंदगी का मामला सामने आता है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, उसके बाद परिवार उस पीड़ित बच्ची को लेकर पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस आनाकानी करती है, उसके बाद लेकर जाया जाता है उसको हॉस्पिटल। जब यहाँ के लोकल हॉस्पिटल मना कर देते हैं कि उसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, इस तरह की सुविधा नहीं है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोटें आई होती है, तो उसको फिर अलीगढ़ भेजा जाता है। वहां के जद्दोजहद के बाद जब तबियत ठीक नहीं होती है तो फिर यहाँ के प्रशासन की ओर से, और जैसा कि हमें बताया गया है कि दरअसल यहाँ की सरकार चाहती थी उसका अच्छा इलाज हो, इस वजह से उसको दिल्ली भेजा गया जो हमको बताया गया है, लेकिन दिल्ली में जाकर उनकी मौत हो जाती है। हालांकि पूरे मामले में जो 4 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है, लेकिन ये परिवार इस वक्त बेहद गुस्से में है, और उसका कहना यह है कि आकर अंतिम संस्कार उन्हें बेटी का क्यों नहीं करने दिया गया। इस पूरे मामले पर जो पीड़ित पक्ष है, माँ का क्या कहना है और पुलिस की ओर पूरे मामले में क्या दी गई है सफाई सुनिए। सुन लिया आपके बात, नहीं मेरा मामला नहीं है, आपके हाथ जोड़ते आपके पैर पकड़ते हैं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हमारी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात खड़ा करिए। भैया लड़की घर जाएगी, तुम लोग करने दो। वो भी हम आपको देखो
वापस नहीं रहेगा।